अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम इसको नहीं चलाएंगे, बाकी आपको ना एक तो बाधा करना पड़ेगा अपनी बेटी से कि आप आपको कभी इस पर अंगूठा लगाने के लिए जिद नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन सिद्धार्थवा ने यहाँ पर दस्तखत कर दिया उस दिन ये समझ लीजिए कि ताली दो हाथों से बजता है, आपको लगाना पड़ेगा, हम नहीं कहूंगा। बोलिए, मंजूर है? कहाँ मंजूर है जी, आप चाहते क्या है? हो क्या गया है आपको? मतलब कसम खा के बैठे हैं कि बेटा पतो का घर तोड़िए क्या मानेंगे? मतलब ये भी कोई बात होता है बताइए? अरे अम्मा, तुम टोक कह रही हो, बाबूजी सही तो कह रहे हैं और सही कर भी रहे हैं। बाबूजी, आपको हमेशा हमसे शिकायत थी ना कि हम आपकी कोनू बात नहीं मानते, कहीं भी सहमत नहीं होते। तो लीजिए, आज हम आपकी ई बात को मान रहे हैं। अब जब रिश्ता घर की दहलीज पे ऐसे तीज त्योहार पे खड़े होके बहस करने लगे तो क्या फायदा ऐसे रिश्ते का? और आज नहीं तो कल ई होना ही था ना, बेमेल ब्याह का तो यही अंत होता है, और कब तक कोई ऐसे अपना रिश्ता ढो सकता है? बाऊ जी ना बिल्कुल सही कह रहे, क्यों लवली दीदी? बिल्कुल सही बात है बबली, इनके लिए तो ई जो है इस्वांग हो रहा है, और यहां का हो रहा है वो सिर्फ हम समझ सकता हूं। अभी तक आपका जवाब नहीं मिला, अगर उस लवंडर ने हस्ताक्षर कर दिया बस तो आपको अंगूठा लगाना पड़ेगा। पहुंचिए, अगर वो एक पर हस्ताक्षर कर देंगे तब हम वो एक पर अंगूठा लगा देंगे। हमारे फैसले कदर किया आपने, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद कहता हूं। देख, एक बार अगर किसी ने विश्वास तोड़ दिया उस गली, दूसरी बार अगर उससे विश्वास की उम्मीद लेके जाओ तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ये गीता में लिखा है कि हद से ज्यादा किसी का ना इंतजार करो, ना विश्वास करो, ना उम्मीद करो, बस। सिद्धार्थवा के चलते ऐसे ही घर में कम कलेश नहीं है कि ऊपर से नया से अभी बाप बेटी पैदा हुए हैं, नया नया ड्रामा खेलने के लिए। पता नहीं घर का नैया कैसे पार लगेगा, क्या होगा, हमको तो अंधकारे दिखाई दे रही घर में। खेलो सब अपना अपना खेल। पूर्णिमा, एक बात कहें तुमसे, तुम्हारी ऐसी हालत देख के ना हमको बहुत ही आनंद आ रहा है। उक्का है ना, 10 सालों से तुम महारानी की तरह राज कर रही थी ना, तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए थी। उक्का है ना, तुमको अब वही मिल रहा है जिसके तुम लायक हो। चल, अब किसके लायक है किसके लायक नहीं है ये हम नहीं जानते हैं।
बाकी भगवान जी आप तो जानते हैं ना कि हम इनसे हद से ज्यादा प्रेम किए और अभी प्रेम में चाहे हमको हमको खुशी दे चाहे तकलीफ दे हम सब स्वीकार कर लेंगे सब गले लगा लेंगे। वत्सला वत्सला क्या हुआ है तुम्हें चेहरे पे क्या लगा के रखा तुमने और नीचे क्यों बैठी हो वत्सला क्या हुआ है तुम्हें उठो वत्सला क्या हालत बना के रखी है तुमने अपनी सोनिका क्या हुआ इसे वो सिट जिससे प्यार करो अगर उसी के नाम का सिंदूर भी मिल जाए ऐसी किस्मत सबकी नहीं होती ना कुछ बदकिस्मत लोग मेरे जैसे भी होते हैं जिसे अपने प्यार के डिवोर्स पेपर्स की राख खोई अपने चेहरे पर लगाकर उसी को सौभाग्य मान लेना पड़ता है वत्सला क्या बहकी बातें कर रही हो तुम रुको मैं साफ करता हूं इससे पूछकर सिंदूर लगा दो मुझे और मंगलसूत्र पहनाकर शादी कर लो मुझसे सिर्फ थाल में सिंदूर भी है और मंगलसूत्र भी क्या पागलपन है अचानक से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे आसपास जितने लोग हैं ना उनके दिमाग में कोई भूत सवार हो गया अरे कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं पूर्णिमा से मेरी शादी हुई है पता है ना तुम्हें सोनिका और पूर्णिमा से मैं हाँ तो वही पूर्णिमा जी अभी डिवोर्स पेपर्स लेकर आई थी ना तुम्हारे बाहुची के साथ सेठ और ये तो अच्छा ही है ना सेठ पूर्णिमा खुद तुम्हें डिवोर्स दे रही है कोई ये भी नहीं कह पाएगा कि तुमने वत्सला के लिए अपनी बीवी को धोखा दिया उसे छोड़ दिया दे दो ना उसे डिवोर्स और कर लो वत्सला से शादी अरे नहीं दूंगा मैं उसे डिवोर्स और नहीं वत्सला से शादी करूंगा क्यों नहीं कर सकते हो मुझसे शादी क्यों सर तुम मुझसे प्यार करते हो तो शादी क्यों नहीं कर सकते कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपाहिज हो गई हूं इसलिए लेकिन यकीन मानो से मैं पूर्णिमा जी से अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी अरे लेकिन हम लोग के बीच ये बात हो चुकी है वत्सला हम लोगों ने शुरुआत से कभी भी शादी का वादा नहीं किया था याद है ना तुम्हें वत्सला और तुम भी यही चाहती थी कहती नहीं थी तुम कि हम दोनों के बीच कभी भी शादी की बात नहीं आएगी फिर अचानक से ऐसा क्यों हाँ तो चाहती मैं भी नहीं थी ना कि तुम्हारी पत्नी मुझे सीढ़ियों से धक्का दे देगी या आईसीयू में घुसकर चाकू से मुझे मारने की कोशिश करेगी लेकिन वो सब हुआ ना सेठ नहीं चाहती थी ना मैं लेकिन हुआ ना देखो सेठ कभी कभी ना
लाइफ में हम सोचते कुछ और है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें हमारा फैसला बदलना पड़ता है। लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। देखिए पूर्णिमा सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।